हेलो एवरीवन, आई एम कल्याणी। स्वागत है आपका एक नए डिलीशियस रेसिपी के साथ। तो आज हम सबकी बहुत फेवरेट रेसिपी देखेंगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, और आप बोल सकते हो कि स्ट्रीट फूड जैसा टेस्ट उसका आएगा। और वो रेसिपी है पाव भाजी की रेसिपी। वैसे तो पाव भाजी बनाना बहुत आसान है, बट उसमें मैं आज आपको ऐसी सिंपल सी ट्रिक बताऊंगी जिससे कि टेस्ट बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही डिलीशियस आएगा। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ऐसी ही डिलीशियस रेसिपी के लिए। तो चलो फटाफट से हम अभी रेसिपी देखते हैं। तो ये मैंने सब्जियां ली है, इधर आलू लिया है मैंने, गाजर लिया है, उसके बाद शिमला मिर्च है, कॉलीफ्लावर है, अच्छे से वॉश करके बारीक काटा है, यह है लौकी और ये है बीटरूट। ये मैंने सब सब्जियां अच्छे से वॉश कर बारीक काट ली है। आप इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हो। सो अभी इधर मैंने सेकेंड पार्ट है इंग्रेडिएंट्स का, ये इधर मैंने बटर लिया है। आप चाहो तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, बट बटर से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यह है कड़ी पत्ता और नींबू, यह है अदरक लहसुन और ग्रीन चिली की पेस्ट, रोस्टेड धना जीरा पाउडर, नमक, बारीक कटा हुआ धनिया, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर, यह है रेड चिली पाउडर, यह है टर्मरिक पाउडर, यह है पाव भाजी मसाला और यह है बारीक कटा हुआ कुकुम्बर। सो उसी के साथ मैंने ड्राई ग्रीन पीस भी लिए है। सो पहले हम क्या करेंगे, कुकर लेंगे, कुकर में डाल देंगे हमारी पार्ट वन इंग्रेडिएंट्स, मतलब सारी सब्जियाँ मैंने पहले से ही अच्छे से वॉश कर ली है। सो मैं सारी डाल दूंगी और जो मैंने ग्रीन पीस दिखाए थे वो मैंने ड्राई ग्रीन पीस लिए है, वो मैंने रात भर भिगो के रखे थे पानी में और मैंने उसकी 3 से 4 सीटी ले ली है। एक्चुअली इसमें ही डालना है बट मैं भूल गई थी तो मुझे फिर से उसकी सेपरेट सीटी लेनी पड़ी। तो आप इसमें ही डाल दीजिए वो भी, और इसके मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 सीटी ले लीजिए। और इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है हमको। तो अभी मैं इसको गैस पर रख दूँगी। अभी पाव भाजी का बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट हम देखेंगे। सो इधर मैंने एक बाउल में डाल दिया है थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर और जो हमने कुकुम्बर बारीक काट लिया था वो भी हम इसी में डाल देंगे, और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया। सो अभी इसको मिक्स कर लेंगे और इसमें हम डाल देंगे लेमन जूस, मतलब नींबू का ये जो है वो रस डाल देंगे। ये बहुत टेस्टी लगता है और आप ऐसे भी इसे सर्व कर सकते हो। सो इसमें मैंने चाट मसाला, रेड चिली पाउडर और नमक डाल के मिक्स कर लिया और ये रेडी है बिल्कुल भी, ये हम साइड में रख देंगे। अभी हम फटाफट से पाव भाजी बनाते हैं। तो इधर हम देख लेंगे हमारी सब्जियां जो है वो पकी है कि नहीं। तो चलिए ये रेडी है, अभी मैं मैशर से इसको अच्छे से मैश कर लूँगी। अगर आपके पास हैंड मिक्सी है तो उससे आप 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। सो ये रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो अच्छे से मैश कर लिया है मैंने। सो अभी हम इसको तड़का लगाएंगे। सो एक बड़ी सी कढ़ाई मैंने रख दी है गैस पर और उसमें हम डाल देंगे बटर। बटर मैंने लिया है 3 से 3.5 टेबलस्पून, उसको अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे। उसके बाद उसमें डाल देंगे कड़ी पत्ता और गैस की फ्लेम को मैंने लो रखा है। सो अभी इसमें मैं करीबन 2.5 टीस्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट डाल दूँगी। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा इसको गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाने देंगे। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा हींग डाल दूंगी और उसके बाद मैं बारीक कटा हुआ जो टमाटर है वो डाल दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसमें हम सारे जो मसाले हैं वो डाल देंगे। सो इधर मैंने पहले तो डाला है धनिया और जीरा पाउडर रोस्टेड, रेड चिली पाउडर, हल्दी और पाव भाजी मसाला और नमक, थोड़ा सा हम धनिया डाल देंगे, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। सो अभी इसको हम सारे जो मसाले हैं सारे मिक्स कर लेंगे। सो ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया, अभी इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर पकने के लिए छोड़ देंगे।
मीडियम फ्लेम टू लो फ्लेम पर रखना है हमको, हाई फ्लेम नहीं करना है। तो ये देखिए, ये मैंने ग्रीन पीस फिर से उसको दो सीटी लगा ली है, ये पक चुके हैं। अभी मैं इसमें डाल दूंगी वो और थोड़ा सा फिर से मैश कर लूंगी। तो ये देखिए, चार पाँच मिनट हो चुके हैं। सो हमारे जो टमाटर है अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे मैश कर लेंगे और जो हमारी सब्जियां है, ये जो मिक्सचर है सब्जियों का, वो सारा इसमें धीरे धीरे से डाल देंगे। सो चलिए, मैंने सारा डाल दिया है, अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और इसको एक से दो उबाल आने तक गैस पर छोड़ देंगे। तो भी बहुत इंटरेस्टिंग जो ट्रिक है, मैं आपको वो दिखाती हूँ। सो उसको मैं ढककर दो उबाल आने के लिए रख दूंगी। एक पैन में मैंने डाल दिया है 2 टीस्पून बटर और 2.5 टीस्पून, और उसमें डाल देंगे हम 1/2 टीस्पून पाव भाजी मसाला। आप चाहो तो उसमें 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हो। और वो गर्मा गर्म तड़का हम डाल देंगे इस पाव भाजी में। पाव भाजी को एक उबाल आ चुकी है और जो उसका अमेजिंग फ्लेवर और उसकी जो खुशबू आ रही है, वाओ, मतलब बहुत ही टेस्टी लगती है ये पाव भाजी। सो भी हम मिक्स कर लेंगे इसको। सो इधर मैंने तवे पर डाल दिया है बटर। बटर थोड़ा सा पिघल जाने के बाद हमने जो सलाद बनाया था ना, इंटरेस्टिंग वाला, वो हम डाल देंगे। और सिर्फ 1/2 मिनट के बाद हम ये पाव उस पर रख देंगे। ये पाव मैंने अभी दोपहर को बनाया है कढ़ाई में, इसकी रेसिपी जल्दी मैं डालने वाली हूँ। तो चलिए, एक साइड से मैंने जस्ट 1/2 मिनट के लिए उसको अच्छे से फ्राई कर लिया और उसको मैंने फ्लिप कर दिया और थोड़ा सा और बटर डाल दिया है। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ी सी मतलब 1/2 टीस्पून के करीब पाव भाजी लेंगे, उसको हम डाल देंगे इसके अंदर और स्प्रेड कर कर इस पाव को बंद कर देंगे और 1/2 से 1 मिनट के लिए इसको अच्छे से हम गोल्डन ब्राउन कलर का कर लेंगे। सो चलिए, मेरी पाव भी रेडी है और भाजी भी रेडी है। अभी वक्त है इसको टेस्ट करने का, तो अभी मैं आपको टेस्ट कर कर दिखाती हूँ। सो ये देखिए कितनी टेंटिंग लग रही है कि नहीं, और टेक्सचर आप देख सकते हो कितना परफेक्ट आया है। तो चलो अभी मैं फटाफट से ट्राई कर कर आपको बताती हूँ कि कैसा हुआ है। बहुत ही डिलीशियस है। तो कैमरामैन के मुंह में बहुत ही पानी आ रहा है, तो एक बाइट उनको भी। तो कैमरामैन मतलब मेरे हस्बैंड, हम कितने टाइम से वेट कर रहे थे कि कब खाओ, बट शूटिंग करनी थी तो बहुत कंट्रोल किया। तो चलिए, और एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि ये पाव जो है मैंने आज ही घर पर बनाया, बिल्कुल फ्रेश। और मेन थिंग ये है कि ये मैंने कढ़ाई में बनाया है, बहुत सारी रिक्वेस्ट थी, तो इसकी भी रेसिपी जल्दी मैं अपलोड करने वाली हूँ। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी कुकिंग।